प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, परिवार में भी ऐसा बहुत कुछ घटित हो जाता है जो हमें बहुत परेशान भी करता है और बहुत कुछ शिक्षा भी दे जाता है। आज कुछ ना कुछ ऐसा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मुझे विश्वास है कि आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा। मेरा आज का टॉपिक है हार नहीं मानूंगा। परिवार में मामा गंगाराम जी हमेशा एक आदर्श के रूप में जाने जाते रहे, क्योंकि हमारे परिवारों में ही नहीं दूर दराज तक उन दिनों एमए डिग्री बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। 1965 में वे सिंचाई विभाग में कार्यालय अध्यक्ष बन गए। बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही साथ काम में दक्ष और मधुरभाषी भी। लोग उन पर विश्वास करते और वे लोगों पर। कभी कभी अतिविश्वास कितना घातक सिद्ध होता है उसे हमने अपनी नौजवानी के दिनों में देख लिया था। बड़े अधिकारियों की साजिश में मामा जी इस तरह फंस गए कि उनके ऊपर गबन का मुकदमा दायर हो गया, वे दोषी करार दिए गए और उन्हें जेल हो गई। जीवन का वह अति कठिन समय था मामा जी व हमारे परिवारों के लिए। माता पिता के लिए ऐसा समाचार सुन पाना आसान नहीं होता। नाना जी चल बसे, मुखाग्नि देने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए ही छुट्टी मिली थी। मामा जी किस हद तक टूट गए थे कह नहीं सकता। कुछ समय के बाद मायूसी का जुआ उतार फेंका था उन्होंने और जेल में ही उनका अध्ययन शुरू हो गया था। एक और एमए डिग्री पाने के साथ साथ कानून की पढ़ाई भी पूरी कर ली। जेल में रहते हुए तथा अध्ययन करते हुए ही उन्होंने सोच लिया था कि इस केस को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। ये याचिकाएं दायर करते रहे व उनके लिखित सवाल जवाब भी होते रहे कोर्ट में। कोई वकील नहीं किया, अपने केस का जितना उन्हें स्वयं ज्ञान था शायद ही उन बारीकियों को कोई और समझता। सजा का समय पूरा हो रहा था और दोबारा खुला हुआ वह केस की निर्णायक स्थिति में पहुंच गया था। गबन के समय जो अधिकारी एकजुट थे, निजी स्वार्थों के कारण उनमें दरारें पड़ चुकी थी। पहले मिल बैठ बनाए गए उनके षड्यंत्र तितर बितर हो गए थे। मामा जी विजयी हुए, उन्हें सम्मान पदवी लौटाई गई, सेवा के दौरान मिलने वाली सभी पदोन्नतियां मिली और बकाया धन भी मिला सरकार से। यह सब उन्हें उस समय मिला जब आयु के हिसाब से वे अवकाश प्राप्त कर चुके थे। यह एक अति सशक्त व साहसी व्यक्ति का ही जीवन था कि विरोधों के होते हुए भी समाज की नजरों में बुरी तरह अपमानित व कलंकित होने के उपरांत भी उन्होंने समर्पण नहीं किया। सामान्य व्यक्ति ऐसी अवस्था में हताश निराश बैठ जाता है, लेकिन वास्तविक वीर वही कहलाता है जो नितांत अकेले होने पर भी हार नहीं मानता। चींटी बार बार गिरती रही परंतु उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। अंततः अलंघ्य उस दीवार पर चढ़ने में वह सफल हो गई थी। यदि हमारा मन हार स्वीकार कर ले तो हम हार जाते हैं, अन्यथा हार विजयश्री के बदलते देर नहीं लगती। हमें संकल्पवान होना आवश्यक है, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना अत्यावश्यक है और हमेशा याद रखना होगा भगवान कृष्ण के उद्बोधन को जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में हतोत्साहित निराश अर्जुन को दिया था। अटूट विश्वास रखते हुए अपने कर्म में
ईश्वरमय। मामा जी ने वह सब कर दिखाया जो प्रायः असंभव माना जाता है। वह असंभव ही रहता यदि मुश्किलें आने पर वे अपनी दिशा से भटक जाते। हमेशा याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ते चले जाना ही मुस्कान का माध्यम बनता है, जिसका व्यक्ति वास्तविक हकदार होता है।